नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू के सभी नेताओं पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस कांग्रेस ने देश पर आपातकाल थोपा, सेंसरशिप लागू किया और सैकड़ों पत्रकारों को जेल में डाल दिया, उसकी गोद में बैठकर जदयू बीबीसी के बहाने प्रेस की आजादी पर छाती पीट रहा है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाए जाने के बाद उठे सवालों के बीच राज्यसभा भेजे गए पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का ट्रैक रिकॉर्ड सामने आया है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इससे पता चलता है कि गोगोई का राज्यसभा प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा। 3 साल में बतौर सांसद गोगोई ने राज्यसभा में एक भी सवाल नहीं पूछा है। यही नहीं, सांसद में उनकी औसत उपस्थिति 29% रही है, जबकि बाकी सांसदों की 79% है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों गरीब संपर्क यात्रा पर हैं और वे इशारों में नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव पर हमला भी बोल रहे हैं। बीते बुधवार को उन्होंने जहानाबाद में नीतीश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे और अगले दिन गुरुवार को अरवल में तेजस्वी यादव निशाने पर रहे। इसी दौरान बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन को सीएम बनाने की मांग भी की है। मांझी ने कहा कि संतोष पढ़ा लिखा है, उसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। अमेरिका के 2 सांसदों ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भारत का समर्थन करते हुए अमेरिकी संसद में द्विदलीय विधेयक पेश किया है। इस विधेयक में अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताया गया है। बता दें कि चीन भारतीय प्रदेश अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है, जिसके चलते चीन अब लैग पर पूर्वी सेक्टर में आक्रामकता दिखा रहा है। बीते दिनों भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़पें भी हुई थी। इन्हीं सब घटनाओं के बीच अमेरिकी सांसदों ने यह विधेयक पास किया है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, रेलवे जैसे केंद्रीय संस्थानों में बड़ी मात्रा में सामग्रियों की खरीदारी होती है। बिहार से जुड़े इन संस्थानों की जरूरतों को स्थानीय वेंडरों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से जुड़े वेंडरों को 25% तक खरीदारी करना केंद्रीय एजेंसियों के लिए अनिवार्य है। इसका फायदा राज्य के वेंडर भी उठा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर से विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं। राहुल गांधी की इस विदेश यात्रा का मकसद भी बेहद खास है। दरअसल राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बिजनेस स्कूल में लेक्चर देने जा रहे हैं। वे इस महीने के अंत में यूके जाएंगे। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, वो अब महागठबंधन के खिलाफ बोल रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने कहा था कि अगर सीएम नीतीश जी अगर तेजस्वी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं या महागठबंधन के चेहरे के तौर पर आगे करते हैं तो इससे बिहार बर्बाद हो जाएगा। कुशवाहा के इस बयान पर बिहार के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि लालू प्रसाद यादव या उनकी नीति के खिलाफ जो बिहार में बोलेगा उसके लिए बीजेपी का दरवाजा हमेशा खुला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 फरवरी को किंग्सवे कैंप में नई पुलिस लाइन में दिल्ली पुलिस के 76वें स्थापना दिवस परेड में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि केंद्र भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में संशोधन करने वाला है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस इन बदलावों में सबसे आगे होगी। भोजपुर जिले के बरहरा प्रखंड अंतर्गत कृष्णागढ़ थाना क्षेत्र के पद्मिनिया गांव निवासी एक एसएसबी जवान की अरुणाचल प्रदेश में चाकू घोपकर हत्या कर दी गई है। हत्या करने के आरोपी साथी जवान पर ही है। बताया जा रहा है कि मेस में ही राकेश की अररिया जिले के किसी साथी जवान के से वाद विवाद हुआ था। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि साथी जवान के राकेश कुमार यादव पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर सूचना मिलने के बाद घर में कोहराम मच गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी कार्य समिति का चुनाव कराती है तो वे मैदान में नहीं उतरेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद वे किसी और चुनाव पर विचार नहीं कर रहे। यह फैसला उन्होंने इसलिए लिया है ताकि दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। पिछले 9 वर्षों से यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ सुसान वोजस्की ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की और उनका स्थान भारतीय मूल के अमेरिकी नील मोहन लेंगे। नील मोहन 2007 में डबल क्लिक अधिग्रहण के साथ गूगल से जुड़े थे। वह 2015 में यूट्यूब के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर बने थे। वह माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, एडोब के सीईओ शांतनु नारायण और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई सहित अमेरिका आधारित भारतीय मूल के शीर्ष सीईओ की सूची में शामिल हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के होटल ताज पैलेस में इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम देर शाम होने की उम्मीद है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 17 से 18 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की थीम मजबूती प्रभाव प्रभुत्व है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ई फार्मेसी द्वारा दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने वाली है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक ई फार्मेसी वर्तमान में उस बिजनेस मॉडल का प्लान जो उन रोगियों के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है जो ऑनलाइन दवा का ऑर्डर दे रहे हैं, उनकी डेटा गोपनीयता खतरे में और दवाओं के दुरुपयोग की संभावना भी है।
एक स्टिंग ऑपरेशन में चेतन शर्मा ने भारतीय टीम और खिलाड़ियों से जुड़े कई खुलासे किए थे। इसके बाद वह लगातार विवादों में बने हुए थे। अब उन्होंने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की चयन समिति के अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है। चेतन शर्मा ने अपना इस्तीफा बीसीसीआई सचिव जय शाह को भेजा है और उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। गूगल पर हम कई तरह की चीजें सर्च करते हैं, कई बार लोग इसका गलत इस्तेमाल भी करते हैं। कुछ ऐसा ही मामला मुंबई में सामने आया है। दरअसल मुंबई के एक युवक ने गूगल पर बिना दर्द के आत्महत्या कैसे करें सर्च किया था। इसके बाद फौरन अमेरिकी के अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को इसकी सूचना दी। फिर पुलिस की टीम ने लड़के का लोकेशन ट्रेस किया और 25 साल के युवक को खुदकुशी करने से रोक लिया। गुरुवार को सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा ने ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपो को संबोधित किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि सरकार एफएम रेडियो स्टेशनों की नए सिरे से नीलामी करने, ओटीटी प्लेटफॉर्म शुरू करने और डायरेक्ट टू मोबाइल यानी डी2एम टेलीविजन प्रसारण का परीक्षण करने की योजना बना रही है। बता दें कि डी2एम तकनीक बिना किसी इंटरनेट के मोबाइल पर टेलीविजन प्रसारण की सुविधा देता है। रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारतीय रक्षा बलों को दीर्घकालिक उत्पाद समर्थन मुहैया कराने के मकसद से एक संयुक्त उपक्रम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बीएल ने एक बयान में बताया कि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्टा ने यहां येहलंका वायुसेना स्टेशन में चल रहे द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी एयरो इंडिया 2023 में यह घोषणा की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने तेलंगाना मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर निशाना साधा है। उन्होंने पूछा कि सीएम चंद्रशेखर पीएम मोदी के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को मजाक कैसे कह सकते हैं। वित्त मंत्री ने हैदराबाद में एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए सीएम चंद्रशेखर पर निशाना साधते हुए कहा है कि आप किस पर हंस रहे हैं, लोगों पर, हर राज्य को इसमें योगदान देना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा है कि 2014 में तेलंगाना का कर्ज 60,000 करोड़ रुपया था, लेकिन पिछले 7 से 8 वर्षों में यह 3 लाख करोड़ रुपए का पार हो गया है। भारतीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्र देश में पंजीकृत स्टार्टअप के युवा अब 21वीं सदी के साइबर सुरक्षा व साइबर अपराध की चुनौतियों के समाधान के लिए तकनीक ईजाद करेंगे। साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के मकसद से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद कवच 2023 साइबर सुरक्षा हैकथॉन का 2 चरणों में आयोजन करने जा रही है। इसमें AICTI के साथ पुलिस अनुसंधान व विकास ब्यूरो, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिलकर काम करेंगे। कनाडा के मिसिसॉगा में स्थित राम मंदिर पर भारत विरोधी नारे लिखने का मामला कनाडा के संसद में भी गूंजा है। दरअसल भारतीय मूल के कनाडा के सांसद चंद्रा आर्य ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कनाडा में बढ़ते हिंदू विरोध पर भी चिंता जाहिर की है। चंद्रा आर्य ने कनाडा सरकार से इन घटनाओं में कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। आर्य ने कहा है कि कनाडा में हिंदू मंदिर घृणा अपराध का निशाना बन रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक ईरानी महिला के बाल काटने के 2 सेकंड के वीडियो से नाराजगी के कारण ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लायान ने अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। अखबार लिखता है कि ईरानी विदेश मंत्री मार्च महीने की 3 और 4 तारीख को रायसीना डायलॉग के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन 2 सेकंड के एक वीडियो के कारण अब उन्होंने ये दौरा रद्द कर दिया है। भारत में पहले से ही नुकसान में चल रही माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने यहां अपने 3 में से 2 ऑफिस को बंद कर दिया है। कंपनी का यह फैसला इसके बॉस एलन मस्क की कॉस्ट कट प्लानिंग का हिस्सा है। यहां काम कर रहे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। मस्क के टेक ओवर के बाद पिछले साल ट्विटर ने भारत में अपने 200 कर्मचारियों को निकाल दिया था। प्रतापगढ़ के सांसद संगम लाल गुप्ता ने हाल ही में लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मण नगरी का या फिर लक्ष्मणपुरी करने की मांग की थी। अब इस पर अमित शाह की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। केंद्रीय गृह मंत्री से जब शहरों के नाम बदलने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, देखिए मुगलों का कोई योगदान नहीं हटाना चाहिए, हम भी नहीं हटाना चाहते हैं, लेकिन इस देश की परंपरा को हम स्थापित करना चाहते हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम नहीं बदला है। इसको हम लोगों की सरकारों ने बहुत सोच समझकर फैसले लिए हैं और हर सरकार का ये विधायी अधिकार भी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को आम आदमी पार्टी द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें दिल्ली नगर निगम के मेयर के चुनाव में मनोनीत सदस्यों को मतदान करने से रोकने की मांग की गई है। दिल्ली नगर निगम के महापौर चुनाव के लिए 16 फरवरी को होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया गया क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले में सुनवाई करेगी। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों पर आयकर विभाग की कार्रवाई 60 घंटे के बाद खत्म हो गई है। बीबीसी ने खुद बयान जारी करते हुए बताया कि टीमें उनके दफ्तरों से वापसी कर चुकी है। गौरतलब है कि यह कार्रवाई बीते मंगलवार को शुरू हुई थी जो तीसरे दिन यानी गुरुवार रात को खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि आईटी अधिकारी कुछ दस्तावेजों के साथ लौट गए हैं। इन दस्तावेजों को सर्वे के दौरान एकत्र किया गया था। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली NCR के तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि रात में चलने वाली हवाओं से लोगों को राहत महसूस हो रही है। अगले 72 घंटों में दिल्ली का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं पूरे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में भी दिन में तेज धूप निकलने की वजह से पारा आने वाले दिनों में बढ़ने का पूर्वानुमान भी लगाया गया है।
इसी तरह कुछ पहाड़ी राज्यों में अगले 3 दिनों तक बारिश होने की संभावना भी जाहिर की गई है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MD शाकिर हुसैन, अनवर करीम खान, अनवर हुसैन, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, अर्जुन राम और MD नौशाद रजा। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके द्वारा सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला सोशल मीडिया माध्यम कौन सा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।